सभी को नमस्कार, स्वागत है दोस्तों हम आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस प्लान की डिटेल आपके स्क्रीन पे मिल जाएगी। दोस्तों प्लान की बात करें तो 26x38 में प्लान बना है, टोटल गांव के लिए प्लान बना है। तो विंडो आप चारों साइड दे सकते हैं। इस प्लान का हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, इसका वॉक थ्रू सेक्शन प्लान सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखें और चैनल पसंद आए तो यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों गांव का प्लान है तो विंडो चारों साइड ओपन रहेगा, क्योंकि गांव क्लाइंट के पास स्पेस चारों साइड था तो विंडो चारों साइड हो जाएगी और विंडो ओपन इस तरीके से रहेगी। कलर को हमने व्हाइट पैटर्न पे ही रखा है, अगर आप चाहें तो इसको दूसरे पैटर्न पे ही अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। एलिवेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई मकान बनवाना है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक आपका रूम है, यहाँ पे आपको विंडो का डिजाइन इस तरीके से मिल जाएगा, बीच में आपको टाइल्स का पैटर्न मिलेगा। बाकी डिजाइन जो आप देख रहे हैं प्लास्टर से आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। ये किनारे किनारे हमने 9 इंच की एक वॉल दिया है, इसको आप ब्रिक्स से अलग करके आप वॉल दे सकते हैं, इससे लुक बेहतर आएगा। मकान की हाइट को 2 फीट ऊपर रखा गया, दोनों साइड हमने एक बॉक्स बनाया, इसमें आप प्लांटेशन कर सकते हैं। और ये आपका बरामदा हो गया, बरामदे में जो ऊपर आप छज्जा देख रहे हैं एक पिलर के साथ सपोर्ट किया गया है, ये छत से 2 फीट 6 इंच डाउन करके बनाया गया, बीच में आपको इस तरीके से स्क्वायर शेप में आपको डिजाइन मिल जाएगी। दोस्तों पैरापेट वॉल की बात करें तो ये आपका ग्रिल के पैटर्न में इस तरीके से पैरापेट वॉल का डिजाइन आपको मिल जाएगा। यहां पर आपको ग्रिल वगैरह का डिजाइन इस तरीके से मिल जाएगा, ऊपर आपको ईंट से इस डिजाइन को आप आराम से आप इसको बना सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं टाइल्स का यूज किया गया है, ग्रेनाइट टाइल्स आपको मिल जाएगी। ये बरामदे का साइज है, ऊपर आपको इस तरीके से फैन, बरामदे का जो साइज रखा गया है 12 फीट 1 इंच x 6 फीट का साइज रखा गया है। इसी बरामदे से ही आपका एक गेस्ट रूम का दरवाजा दिया गया। इस गेस्ट रूम का साइज की बात करें तो 10 फीट 1 इंच x 12 फीट का साइज आपको मिल जाएगा। इस गेस्ट रूम में आपको 2 विंडो मिलेंगे क्योंकि कॉर्नर पे बेडरूम आ रहा है और ये आपका फैन वगैरह इस तरीके से आपका लग जाएगा। दोस्तों इस मकान में हमने टोटल 3 बेडरूम बनाया है, किचन वाशरूम वगैरह हर चीज बनाया है। दोस्तों तो वीडियो अंत तक देखें और ये सामने आपका टीवी वगैरह का प्लेसमेंट आपको इसी तरीके से इसी पैटर्न और इसी डिजाइन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये आपका बेड का प्लेसमेंट इसी तरीके से हमने किया है, दोस्तों आप देख लीजिए। इसका सेक्शन प्लान भी डिस्कस करेंगे तो वीडियो अंत तक देखें। इसमें 2 दरवाजे, एक अंदर से भी है एक बाहर से। ये आपका स्टेयर है, यहां पे आपको स्टेयर डॉग लेग बनाया गया और ये आपका मेन गेट है। मेन गेट के थ्रू भी आप एंट्री कर सकते हैं, गेस्ट रूम के थ्रू भी आप मकान में एंट्री कर सकते हैं, 2 ऑप्शन आपको यहां पर मिलते हैं। दोस्तों इसके आगे की बात करें तो ये आपका हॉल एरिया हो जाएगा। हॉल एरिया का जो साइज रखा गया है 16 फीट 2 इंच x 8 फीट 6 इंच का साइज रखा गया है। ऊपर आपको सीलिंग फैन सीलिंग लाइट वगैरह इस तरीके से मिल जाएगी। यहां पर आपका टीवी वगैरह का प्लेसमेंट इस तरीके से किया गया है। दोस्तों ठीक है, इसके इधर की बात करें तो यह पूरा आपका हॉल रहेगा। यहाँ पे आपको किचन मिल जाएगा, किचन का दरवाजा थोड़ा रोटेट करके लगाएगा ताकि आप किचन की प्राइवेसी थोड़ा मेंटेन हो सके। दोस्तों किचन की साइज की बात करें तो यहाँ पे 8 फीट 9 9 8 बाई 9 का साइज आपका रखा गया है, 8 फीट x 9 फीट का साइज रखा गया है। यहाँ पे एक आपको विंडो मिलेगी जो कि यहाँ पे जो भी किचन वगैरह का हीट होगा यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन आपका हो जाएगा नॉर्मल तरीके से। आपको किचन का प्लेटफॉर्म यल पैटर्न पर हमने डिजाइन करके डिजाइन दिया है। दोस्तों यहाँ पे एक स्टोर रूम बनाया गया जो कि इसी किचन से ही अटैच करके बनाया गया, यहाँ पे आप राशन वगैरह स्टोर कर सकते हैं। इसमें दरवाजा नहीं लगाया गया, अगर आप चाहें दरवाजा भी आप लगा सकते हैं, वैसे दरवाजा ना ही लगाएं। इस स्टोर रूम का साइज 4 फीट 8 इंच x 3 फीट का साइज रखा गया है। दोस्तों तो चलते हैं, बैक साइड में आपको 2 बेडरूम मिल जाएगा, एक एक टॉयलेट बाथरूम आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये टॉयलेट बाथरूम आपको मिल जाएगा, टॉयलेट बाथरूम का जो साइज है ये 8 बाई 3.5 फीट का साइज रखा गया है। यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम दोनों कंबाइंड करके बनाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर आप देख सकते हैं इसका वेंटिलेशन जो भी स्मेल होगा यहाँ से वेंटिलेट हो जाएगी, जो कि बाहर साइड में विंडो आपका ओपन होता है। दोस्तों ये आपका यहाँ पे आपका शावर वगैरह बाथ टाइप वगैरह आपका इस तरीके से लग जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं सीलिंग लाइट वगैरह इस तरीके से आपको मिल जाएगी। वॉल पे हमने नॉर्मल टाइल्स लगाया है, अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से कस्टमाइज भी आप करा सकते हैं। दोस्तों बैक साइड में आपको 2 बेडरूम मिल जाएंगे, दोनों बेडरूम का साइज सेम रखा गया है, 12 फीट 1 इंच x 11 फीट 6 इंच का साइज है। बेडरूम आपका कॉर्नर पर आ रहा है तो इसमें आपको 2 विंडो मिल जाएगी। टीवी का प्लेसमेंट आपका इस तरीके से सामने यहाँ पे किया गया है। दोस्तों बाकी प्लान आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यार चैनल को लाइक जरूर कर दिए करें और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत होती है। दोस्तों ये आपको बैक में आपको दूसरा बेडरूम आपको मिल जाएगा, 12 फीट 1 इंच x 11 फीट 6 इंच का आपको यहाँ पे बेडरूम मिल जाएगा। ऊपर आपको सीलिंग लाइट सीलिंग फैन वगैरह इस तरीके से इस पैटर्न इस लुक पे आपको मिल जाएगा। टीवी का प्लेसमेंट यहाँ पे सामने ही किया गया। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से इस पैटर्न इस लुक पे आपको टीवी वगैरह का प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अभी मैं इसके सेक्शन प्लान भी आपसे डिस्कस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कहां से मिलेगा। दोस्तों डॉग लेग में आपका स्टेयर बनाया गया है, स्टेयर आपका मेन गेट से एंट्री पे ही आपका बनाया गया है और ये आपका सील आपका फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर आप अपने तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मल्टी रूम का डिजाइन आपको इस तरीके से प्लास्टर से आप इसको डिजाइन को बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें, अभी वीडियो अंत तक देखें, अभी सेक्शन प्लान भी हम डिस्कस करते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन प्लान की तरफ, ये आप देख लीजिए
तो ये रहा आपका सेक्शन प्लान दोस्तों, ये आपका सेक्शन प्लान है। फ्रंट में आपको इस तरीके से 2 फीट हाइट पे आपको बरामदा मिल जाएगा, आप चाहें तो 3 फीट 4 फीट भी आप रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको इस तरीके से सोफा वगैरह का प्लेसमेंट आपका इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद ये आपका गेस्ट रूम है, 2 दरवाजे जिसमें एक बरामदे से एक अंदर से। ये मेन गेट से एंट्री करेंगे तो यहीं पर ही आपको इस तरीके से डॉग लेग में आपका सीढ़ी मिल जाएगा। इसके आगे की बात करें तो ये आपका हॉल एरिया हो जाएगा, यहाँ पर आपको किचन मिल जाएगा, ये वाला साइड में आपको किचन मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। किचन से ही अटैच आपका स्टोर रूम वगैरह इस तरीके से बनाया गया, किचन से अटैच करके स्टोर रूम को बनाया गया दोस्तों। यहाँ इस साइड में आपका टॉयलेट और बाथरूम दोनों कंबाइंड करके यहाँ पे दिया गया दोस्तों। साइजेस वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये बैक साइड में आपको 2 बेडरूम दोनों इस तरीके से आपको मिल जाएगा। 26x38 में आपको 3 बेडरूम के साथ एक प्लान था दोस्तों। प्लान आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। 100 घर के नक्शे अगर आपको डाउनलोड करना हो तो वो भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो अंत तक देखें। और ये इसका भी प्लान आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल से ऐसे बनाए, धन्यवाद दोस्तों।